नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा दमाया सिंधी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको लिव डीएस सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये सिरप आपके शरीर के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है, इसके फायदे, नुकसान, यूज करने का तरीका और प्राइस, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लिव डीएस सिरप। वैसे तो इसके नाम से आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि लिव डीएस अपने लिवर संबंधी समस्याओं को दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिवर संबंधी कोई भी समस्या या परेशानी हो रही है या फिर आपके पेट में कोई दिक्कत है, तो ये जो सिरप है वो आपके पेट से संबंधित समस्याओं के उपचार में बहुत अच्छे से मदद करती है। पेट से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो, गैस हो, एसिडिटी हो, कब्जी हो रही हो, या फिर आपकी पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, कोई भी खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये जो सिरप है वो एक डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में काम में लाई जाती है। एक हर्बल सिरप है जो कि आपके पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। लिवर के उपचार में ये मदद करेगी, लिवर पर कोई बीमारी अटैक ना कर पाए उसके लिए ये सिरप एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट मानी जाती है। आप बोलेंगे, मैम कोई इंग्रेडिएंट इसमें हार्मफुल तो नहीं है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए? तो ये एक हर्बल सिरप है, इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाए। इसमें है सौंठ, सौंफ, अजवाइन, जो कि आपके पेट की किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ हो रही हो, पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो, उन सबको दूर करती है, आपकी गैस और एसिडिटी से भी राहत दिलाने में मदद कर सकती है। और दोस्तों, डोज की बात करें तो एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को, दिन में दो बार आप इस सिरप को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपको भूख भी नहीं लग रही है तो ये जो सिरप है वो आपकी भूख को बढ़ाने में भी मदद कर सकेगी। प्राइस की बात करें तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आपको जैसा भी लग रहा हो, जहाँ भी सस्ता अफोर्डेबल दिख रहा हो, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ओवरडोजेस नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। या फिर आप अपने बेबी को स्तनपान करा रही हैं या फिर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं, तब भी इस सिरप को इस्तेमाल में लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या वैद्य से जरूर कंसल्ट करें। काफ़ी बेस्ट सिरप है, आपके डाइजेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, खाना आसानी से पाचित हो जाएगा और आपके जो कब्ज, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, जो भी आपको पेट से संबंधित समस्या हो रही हो, लिवर से संबंधित समस्या हो रही हो, आप इस सिरप को बिना हिचकिचाहट के इस्तेमाल में ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में या फिर हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका